हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन में। आज की वीडियो में हम स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में जानेंगे। स्टूल का जो सैंपल हम लोग जो टेस्ट कराते हैं वो क्यों करवाते हैं, इसकी रिपोर्ट हम किस तरीके से जो है समझ सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका सैंपल कब देना चाहिए, किस टाइम पर देना चाहिए। सिर्फ इसका सैंपल देने से पहले कुछ मेडिसिंस होती हैं जो डॉक्टर स्टॉप कर देते हैं, तो वो मेडिसिंस जो हैं कब स्टॉप की जाती हैं, कितने दिन पहले स्टॉप की जाती हैं, इसकी रिपोर्ट्स कैसे समझे, खाना खाने के बाद सैंपल देना होता है या खाना खाने के बाद सैंपल देना होता है, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन जो टेस्ट होता है उसके कितने दिन पहले हमें जो है मेडिसिन स्टॉप करनी होती है, तो मैक्सिमम जो है 5 to 6 weeks से पहले हमें जो है मेडिसिन स्टॉप करनी होती है स्टूल एग्जामिनेशन का जो सैंपल है वो देने से पहले। स्टूल का जो सैंपल हम लोग देते हैं वो होता है मेन हमारा दिया जाता है जब जो हमारी पॉप होती है, स्टूल जो होता है उसमें अगर हमें पेन हो रहा है, ब्लडिंग आ रही है, तो उस वक्त हमें डॉक्टर जो है स्टूल का टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं कि उसमें कोई पाइल्स वगैरह तो नहीं हो गई या कप्स वगैरह तो नहीं हो गई है, वो जांच कराने के लिए स्टूल का टेस्ट कराया जाता है। स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल कब होती है, अगर स्टूल में जो है ब्लड नहीं आ रहे, मकस नहीं आ रहे, पस वगैरह नहीं आ रहा है, तो वो जो है रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है उस कंडीशन में। स्टूल की रिपोर्ट पॉजिटिव कब आ सकती है, अगर मान लीजिए जो स्टूल है उसमें ब्लडिंग आ रहे हैं, ब्लड्स के पीसीज आ रहे हैं, पस आ रही है, बहुत डार्क कलर आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो है स्टूल की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं कैंसर हो सकता है, कप्स हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, फिस्टुलाग्राम हो सकता है, ये सभी जो है कारण हो सकते हैं स्टूल रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के। स्टूल रिपोर्ट के जो सैंपल दिया जाता है वो कब दिया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट अगर हम करा रहे हैं तो हम रैंडमली कभी भी स्टूल का सैंपल दे सकते हैं, किसी भी टाइम का स्टूल जो है हम जांच के लिए दे सकते हैं। पर मान लीजिए अगर हम स्टूल कल्चर के लिए करा रहे हैं, स्पेशली स्टूल कल्चर, अगर हम स्टूल कल्चर के लिए करा रहे हैं तो स्टूल कल्चर का सैंपल जो है वो सिर्फ हमें मॉर्निंग का ही देना होता है। स्टूल कल्चर में हमारा जो है बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह जो हो रही है वो किस गति से हो रही है वो पता चलता है, और स्टूल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टूल है उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। स्टूल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की को कैसे समझे, उसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके पैरामीटर में सबसे पहला आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दैट मीन्स जो स्टूल है उसको देख के जो है रिपोर्ट बनाई जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी बोला जाता है इसको, इसमें फर्स्ट देखा जाता है कलर, कलर जो है वो ब्राउनिश होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंसी सेमी फॉर्म में होनी चाहिए, मकस नील होने चाहिए, ब्लड के पीसीज नील होने चाहिए, ये मेन है, मकस और ब्लड नील होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि जो माइक्रोस्कोप की मदद से चेक किया जाता है पस सेल्स, रेड सेल्स जो हैं, बैक्टीरियल जो हैं, पैरासाइट्स, रीच सेल्स, ये सभी चेक किए जाते हैं और इन्हें जो है हाई पावर फील्ड में देखा जाता है और उसी की स्कोरिंग के अकॉर्डिंग पैरामीटर में इनकी रेंज दी जाती है। फिर आता है लास्ट केमिकल एग्जामिनेशन, इसमें रिएक्शन लिखा जाता है, एल्कलाइन रिएक्शन होना चाहिए अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी, स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट की रिपोर्ट हम किस तरीके से समझ सकते हैं।